माँ मुंडेश्वरी के मंदिर के गर्भगृह के अंदर पंचमुखी शिवलिंग है। मान्यता है कि इस शिवलिंग का रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शिवलिंग का रंग कब बदलता है किसी को पता भी नहीं चलता। हर सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। माँ के इस मंदिर में कई और रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य और भी है जो बलि देने की प्रथा से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं के मुताबिक मंदिर में बकरे की बलि की प्रथा बहुत अनूठी और अलग है। यहाँ बलि में माँ को बकरा तो चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे मारा नहीं जाता है, बल्कि उसे मंदिर में लाकर देवी के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिस पर वहाँ मौजूद पुरोहित मंत्र वाले चावल छिड़कते हैं। उन चावलों से वह बकरा बेहोश हो जाता है, फिर उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। इस चमत्कार को देखने वाले लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी कुछ वाकई में हो सकता है। इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से भी जुड़ा हुआ है। मंदिर में चंडमुंड के वध से जुड़ी कुछ कथाएं भी मिलती हैं। चंडमुंड शुम्भ निशुम्भ के सेनापति थे, जिनका वध इसी भूमि पर हुआ था। कहते हैं कि चंडमुंड नाम के असुरों का वध करने के लिए देवी माँ यहाँ आई थी। चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छुप गया था और यहीं पर माता ने मुंड का वध किया था, इसलिए यह मंदिर माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी पर बिखरे हुए कई पत्थर और स्तंभ हैं, जिन पर श्रीयंत्र और कई सिद्धि यंत्र मंत्र की आकृतियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों, माँ मुंडेश्वरी के बारे में ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ऐसे ही रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी।